राजधानी जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर 3 में सब्जी मंडी स्थित सुंदरलाल की फलों की थड़ी पिछले 35 से 40 सालों से लगी हुई है। इसी दौरान कई पार्षद बने, किसी ने कोई परेशानी नहीं दी, लेकिन इसी दौरान नगर निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 127 की पार्षद जयश्री गर्ग उसे तोड़ने और बेरोजगार करने की पूरी कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं उनसे मामला। 40 वर्षों से यहाँ पे एक फल फ्रूट का बेच करके अपने बच्चों का गुजारा कर रहा हूँ। किस जगह पे? माली नगर सेक्टर 3 सब्जी मंडी में। पिछले 40 वर्षों से और मेरी हाउसिंग बोर्ड की सर्वे सूचियों में भी नाम है और मेरे जो नगर निगम की सर्वे सूचियों में भी नाम है और सर्वे नगर निगम के द्वारा जो मेरे को 75,000 रुपये जमा करके रसीद दी गई थी वो भी है मेरे पास, और इसके अलावा जो आवंटन पत्र दिया था उन्होंने वो भी दिया, लेकिन मुझे कब्जा वहाँ नहीं किया क्योंकि तो उनका किसी ज़मीन का विवाद था, वो मैं नहीं जानता किससे क्या था, लेकिन इस कारण से मैं वहीं जहाँ पे मुझे काम कर रहा हूँ वहीं बैठ के मैं अपने व्यापार कर रहा था। तो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं 40 सालों से हमारे क्षेत्रीय विधायक हमेशा हम पर दया कृपा रख के बैठे हुए थे और हमेशा उन्होंने अब आज भी वो दयालु है और उनको शायद पता ही नहीं होगा कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। हम गरीबों के साथ बहुत परेशानी हुई, हमारी जो विधायक हमारी जो पार्षद थी पहले और जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी सुमन शर्मा जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की महिला थी और हम पर दया करती थी। गरीबों अभी क्या दिक्कत हुई है वो बताओ? गरीब फरी ठेले वालों को हमेशा संरक्षण प्रदान करते थे ये दोनों, जो हमारे विधायक जी थे और जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, हमेशा वो गरीब ठेले जगह फरी ठेले, चूँकि मेरा उनसे कभी साफ सीधा संपर्क नहीं था इसलिए मैं ये चीज़ कर उनके आगे फेस नहीं कर सका। अब क्या मामला है सर? मामला ये है कि आज के 2 वर्ष पूर्व मेरे दुकान के थोड़ा दूर आगे जाकर के कोई गाड़ी रुकी और उनका कोई आदमी आया, बोला मैडम जी बुला रही है, तो मैं चला गया साहब, मेरे को पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, तो वो बोली मैं जय श्री गर्ग पार्क हूँ और मैं यहाँ की पार्षद हूँ, जानता नहीं क्या मुझे? मैंने कहा जी मैडम जानता हूँ, मैं हाथ जोड़ के बोला मैं जानता हूँ जी मैडम, बोले हीरो तेरी शिकायत बहुत आ रही है और है ना तेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो मैं बुरी तरह से डर गया। मैंने कहा बड़े लोगों से तो मैं क्या बात करूँ, मेरा तो यही काम था कि मैं यहाँ जो धंधा करता रोजी रोटी करता और अपने घर चला जाता, तो वो मैं डर गया, तो मैंने कहा कि है ना मुझे मत हटाओ मैडम जी, मुझे मत हटाओ, मैं गरीब आदमी हूँ, आप ही हमारे भगवान हो। तो बोले भगवान को प्रसाद भी चढ़ाना पड़ता है, भगवान को प्रसाद भी चढ़ाना पड़ता है और है ना आप तूर ने हमारे लिए क्या किया है जो। तो मैंने कहा मैडम जी आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, तो बोले ठीक है मेरा आदमी आएगा। और दूसरे दिन उसका आदमी आया, बोले मैडम ने 5,000 रुपये महीने की बंदी रखी है, मैं लगातार 2 वर्ष तक चुपचाप उनके जो कई लोग आते थे मैं उन्हें नहीं जानता था, वो मैडम से अपने फोनों पे बात करवाते और मुझे मुझसे पैसे ले जाते और मैं चुपचाप दे देता, और इस बीच में कभी कभार कोई थोड़ा बहुत अगर वो मतलब फल उठा करके एक दो चीज ले लेते तो मैं उनको मना नहीं करता, तो वैसे वो ऐसी कोई बात नहीं चली। आज के 15-20 दिन पहले कोई आदमी आया, 2 टोकरे मेरे से फल के बनवाए, तो मैंने कहा उसके पैसे कैसे, तो बोला मैडम जी ने मंगाए हैं, तो मैंने कहा तो मैं भाई मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा मैं बंदी देता हूँ यार, ऐसी बात थोड़ी है कि ना इसके पैसे तो देगा ना, मैं भी तो पैसे दे के आता हूँ, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मेरा भी बहुत बड़ा परिवार है, अपना बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, मेरी बूढ़ी सास है जो 92 साल की है और घाट पर है और उनके पेशाब भी वो वहीं पर करती है, तो और मेरी बच्ची है जिसका डिवोर्स का केस चल रहा है और मेरी बच्ची भी मेरे पास रहती है और उसकी बच्ची की पढ़ाई का खर्चा भी मेरे ऊपर है, तो आप कम से कम ये यार ये तो दे दे भाई मेरे पैसे दे कम से कम। तो मैडम जी को ये मैंने कहा कि मुझे मेरे ये पैसे तो दे दो कम से कम, तो बोली तेरी इतनी हिम्मत है तो हमसे पैसे मांगेगा, अब तो 1 लाख रुपये देगा नहीं तो तेरी हड्डी खड़ी हटेगी। तो उसके बाद में मैंने उनसे बहुत मिन्नत देगी, तो बोली नहीं तेरे को पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो मैंने कहा कि ना मैडम मैं कहाँ से लाऊँ, मैं गरीब आदमी इतना पैसा मैं कहाँ से दे सकता हूँ, मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, मेहरबानी कर कृपा करके आप मेहरबानी करें मुझे दया करें मुझ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में 3 तारीख को वो लवाजमे के साथ आई और उन्होंने कचरा हटाने के नाम पे मेरी थड़ी का टुकड़ा साफ करने की कोशिश की, लेकिन उस समय तो जो है कि तो मेरे जो बाहर जो जिया लगा हुआ था उस जिए को थड़ी के अंदर करवा दिया और चले गए वो लोग, मेरा थोड़ा सा मैंने विरोध किया तो वो चले गए। और उसके बाद में फिर मेरे को दूसरे फिर ये बात मेरे को मुझे बहुत डर लगा कि अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, तो और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ।
मेरा परिवार ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद में फिर मैंने जो हमारे यूनियन का पदाधिकारी था गोपाल साइकिल वाला, उसको मैंने ये बात कही तो उसने कहा मैं मैडम से बात करवा लेता हूँ, चिंता मत करो, मैं वो एक शहर लेके गया। और सेकेंड ईयर भी चल रहा है मेरा, मजबूरी के तहत जॉब करना पड़ रहा है। यस एग्जैक्टली, मजबूरी है इसीलिए जॉब भी कर रहे हैं। और ऐसा है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया एकदम से, बिल्कुल मतलब इतने दिन से परेशान कर रखा था भाई, ये नहीं देख रही कि एक घर चल रहा है, इनसे इतने जने हैं, कहाँ से खाएंगे कहाँ से कमाएंगे सब जने भाई, क्या करेंगे दम की। अगर हम लोगों ने ये बोला सुसाइड कर लेंगे तो इसके बाद भी ये हमें बोल रही है कि कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, मतलब इनको ये चीज़ भी डर भी, ये डर भी नहीं है, बढ़िए कर लो कोई एक भी कुछ। तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे पहले हम बचाएं तो सही, हमें बचाने तो दे, तभी तो पढ़ेगी बेटियाँ, नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगी। स्वरोजगार की भी बात करते हैं लेकिन यहाँ तो रोजगार गुजारने की तरीके, हाँ यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, इतना इतने दिन से परेशान कर रखा था हम लोगों को कि भाई ये हो जाएगा, पहले अंदर करने के लिए कहा, फिर ये ऊपर से हटाने के लिए कहा, सब कुछ करने के बाद भी बुलडोजर चलवा दिए, यानी बुलडोजर की सरकार हो गई। एग्जैक्टली, बोलता था वो मेरे को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो मैं इससे बहुत पूछती थी कौन करे, लेकिन ये रोने लग जाते थे, बोलते अपन बर्बाद हो जाएंगे देखना, लेकिन ये बताते नहीं थे कम भी। अब की तो इसने इतना तंग कर दिया कि हमारी कोई हटवाई थी, 10 दिन हम भूखकर एक दिन कमाने आए, उसके बाद भी उसको कोई नहीं आके उसने मतलब ये हटाई थी। हम बोला हाँ रोड पर आता हूँ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, देवर वाले रखे उन्होंने बोला हमारी थड़ी पड़ी है उसमें लगा लो, उसमें लगा वो उन्होंने आपको आके बोला था, लेकिन हम फिर भी यहीं पे ही कह रहे थे, लेकिन हम परेशान करते थे, बहुत तंग कर दी हमको, आखिर उसने हटवा ही दिया। लेकिन हम ऐसे थोड़ी नहीं है, आप बताओ ऐसे थोड़ी होता है, किसी गर्भ को जीने तो दो, रोटी तो दो खाने के लिए, कि वो भी नहीं दोगे, वहाँ से हटा के रोड पर फेंकते, मिट्टी में मिलाया, फिर दूसरे दिन उनको बोलती थी जब तेरे को मिट्टी मिलाती है, बहुत अच्छी आए थे इसको बोलती थी,